Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends and my viewers. Welcome back to my YouTube channel Village Erection. So friends, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारी पेंटिंग सनसेट, गोल्डन सनसेट वाली. बहुत ही खूबसूरत एंड अमेजिंग है. जैसे कि हाफ पेंटिंग मैंने बना ली है, यहाँ पर ऑरेंज कलर कर दिया है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाई है मैंने. हाफ पेंटिंग बना ली और आगे की बना के आपको दिखाऊंगी. मैंने सिर्फ बैकग्राउंड बनाया है. सो यहाँ पर हमने येलो कलर करना है सबसे पहले, एंड हाफ करना है ऐसे यहाँ तक. एंड उसके बाद हमने बाकी में ऑरेंज एक्रेलिक पेंट वगैरह, एक्रेलिक पेंट से ही करते हैं. ऑरेंज एक्रेलिक पेंट यहाँ पर करना है. आपको वीडियो में सॉरी लाइट दिख रहा है बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा डार्क है ये. आपको वीडियो में दिख रहा होगा गाइस, मैं थंबनेल जब लगाया हुआ है, थंबनेल में आप देख सकते हैं कि डार्क ही दिख रहा होगा. तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर किया था, एंड अब आगे की पेंटिंग बनाते हैं. सो गाइस, अब हमने यहाँ पर भी ऑरेंज कलर करना है. अभी हम ऑरेंज कलर निकालते हैं. हमारा ऑरेंज कलर ये रहा, एक्रेलिक कलर है, तो इसको हम निकाल के आपको कलर करके दिखाते हैं. तो गाइस, हमने यहाँ ऑरेंज कलर दिया, एंड यहाँ पर भी हम ऑरेंज कलर करेंगे. हमने डार्क करना है, जैसे यहाँ वाली साइड पे डार्क किया है वैसे ही इसी साइड पे हमने ऑरेंज कलर करना है. ये बहुत ही इजी पेंटिंग है. हम नीचे वाला भी थोड़ा सही कर देते हैं अगर जो नहीं है. ये आपको बेशक रफ लग रही होगी, बाद में ये जैसी बनी है. यहाँ पर भी हमने थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर डाला है, यस, क्योंकि डालना था. एंड अब हम बाकी सारी भी सही कर देते हैं. तो यहाँ हो गया कलर, एंड अब हमने डालना है वाइट कलर का सन बनाना है. यहाँ मैं आपको बनाती हूँ गाइस. हमने यहाँ पर थोड़ा सा येलो अब वापस करना है, क्योंकि हमने ऑरेंज कलर भी किया है, इस वजह से येलो भी थोड़ा सा हमने और वापस करना है. तो ये जो कलर है हम इसी के ऊपर डाल देंगे. एंड उसके बाद थोड़ा सा वाटर लगाकर इसके ऊपर ब्लेंड करने लगेंगे. तो यहाँ पर हम फुल कलर कर देंगे. आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ यही वाले एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं. नो, आप अपने एक्रेलिक कोई भी एक्रेलिक पेंट लें आपके पास जो भी हैं उनसे कर भी सकते हैं, ना कि सिर्फ इन वाले एक्रेलिक पेंट से. ये वाले इनसे कर लें जो मर्जी है. हर एक्रेलिक पेंट से हो जाती है ड्राइंग, टेंशन ना लें. एंड यहाँ येलो कलर भी हो गया हमारा फुल. एंड अब हमने बनाना है सन, जो कि हम बनाएंगे वाइट कलर से. एंड वाइट कलर को ओपन करते हैं. उसके लिए हमें चाहिए होगा छोटा ब्रश, हम वो आपको अभी निकाल के दिखाते हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा पतला ब्रश. यहाँ वाइट कलर लगा हुआ है, सो इसको पानी में डिप करना है, एंड फिर ड्राइंग करनी है. स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ हमने डालना है थोड़ा सा वाइट कलर, एंड इसको साइड में रखना है, थोड़ा सा पानी डालना है बिल्कुल. एंड
ब्रश के ऊपर पानी लगाकर इसको बड़ा सारा सन बनाना है, छोटा सा नहीं बनाना, हमने बड़ा बनाना है क्योंकि पेंटिंग भी बड़ी है। और आपके पास अगर कैनवास इस साइज़ में नहीं है तो दूसरे साइज़ में भी बना सकते हैं। हमें डार्क करना है इसको, तो वाइट कलर डालना है, इसमें ज़्यादा डालना वाइट कलर होगा। आपके पास अच्छे वाले होंगे, ये वाला वाइट कलर डबल कलर के ऊपर सही नहीं हो रहा। एंड तो हम सन बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। सो ठीक है, हम सन बनाने के बाद मिलते हैं गाइस। अब हमने ऑरेंज कलर लेना है एंड ऑरेंज कलर से हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइंस बनानी है। सो एक मिनट रुकें गाइस, इसमें आपने पोस्टर कलर या कोई भी कलर ऐसा यूज़ नहीं करना, वरना ये ड्राइंग ख़राब भी हो सकती है। आप सिर्फ एक्रेलिक पेंट से करना है। एंड अब हम यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कैसे, कह रही थी मैं आपको। ऐसे ऐसे कर देना है हर तरफ। बना दे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो से जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए आप से। एंड आप कह रहे होंगे मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, काफ़ी मंथ से वीडियो नहीं डाली थी, सॉरी गाइस, तो उसके लिए। एंड हमने ये बना लिया। एंड नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, उसके लिए भी हम 2 मिनट 1 मिनट आप हमारा वेट करें। सो गाइस, हमने ट्री का वो बना दिया है, तो अब हम यहाँ ब्लैक कलर बीच में करेंगे। आपको लग रहा होगा ट्री बहुत ज़्यादा ही बुरा बन रहा हो, अभी आप एंड में देखिएगा। और अगर आपको ट्री बुरा लग रहा है तो आप अपनी तरफ से बना दें। ट्री के लिए मैंने लिया है ये वाला ब्रश। ट्री में वाटर, तो ट्री के लिए ये जो ट्री है के लिए, इसके लिए पानी नहीं यूज़ करना, वरना इसमें भी वाइट वाइट डॉट्स आ जाएंगे। एंड पानी यूज़ करने के बाद इसको भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। ट्री देखें कितना खूबसूरत चमक रहा है और प्यारा लग रहा है। और आप सोचे होंगे मेरे पास तो एक्रेलिक पेंट चमकने वाले नहीं है। नो गाइस, सारे एक्रेलिक पेंट अगर पानी के बगैर यूज़ करें तो चमकते ही हैं, आप नो टेंशन ना लें। मैंने भी आप यही वाला ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। अभी हम ने यहाँ कलर कर दिया, तो हम थोड़ा सा और बनाते हैं। और हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें। एंड हमें 2 मिनट का टाइम दें, हम अभी आते हैं। तो अब हमने लेनी है कॉटन बर्ड, एंड उसके बाद हमने लेना है रेड कलर। रेड कलर में ऐसे कॉटन बर्ड को डिप करना है एंड यहाँ पर बनाते जाना है। तो अभी बना नहीं, जो बनाते जाना है बनाते जाना। आपके अगर आप चाहें तो 3 कॉटन बर्ड से बना सकते हैं, आप चाहें तो 4 कॉटन बर्ड से बना सकते हैं, 2 कॉटन बर्ड, 1 कॉटन बर्ड, हम तो बना रहे हैं 1 से ही। तो हम बनाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस,
हमारी पेंटिंग हो चुकी है एंड उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सन भी है, ये भी है, सब कुछ हो चुका है। आपको हमारी पेंटिंग अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह ताला आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ड्राइंग भी। तो अगर आपको ड्राइंग अच्छी नहीं लगी तो माफ़ कर दें, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड एंड तक देखिएगा। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ माई व्यूअर्स एंड माई फ्रेंड्स, गुड बाय।